सो गाइज, कभी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मुझे ऐसी वीडियो बनानी पड़ेगी, वो भी अपने सबसे अच्छे दोस्त के लिए। पर इसको अभी बनाना बहुत ज़रूरी हो गया है, एंड इस चीज़ को हुए मुश्किल से मुश्किल अभी 4 घंटे भी नहीं हुए हैं, एंड आप लोगों के पास भी लाइक आ गई होगी व्हाट्सएप वगैरह पे काफ़ी उल्टी उल्टी खबरें। सो एंड कन्फर्म हो चुकी है बात, लाइक प्रो राइडर 1000 अगस्त्य चौहान लाइक अब नहीं रहे। एंड गाइस, मेरी अभी उनके फादर से बात हुई, लाइक सुबह सुबह मेरे को कॉल आया, मैं सो रहा था, देन मेरे को एक सब्सक्राइबर का कॉल आया कि लाइक कि उनका एक्सीडेंट हो गया ऐसे करके, कि ऐसे ऐसे करके, और उसने कुछ फ़ोटोज़ भेजी, काफ़ी डिस्टर्बिंग थी। उसके बाद गाइस, सो गाइज़, ये वीडियो कुछ भी लाइक मैं आपको बस एक एक चीज़ बताने के लिए, लेकिन सभी यूट्यूबर्स को प्लीज़ जो जो जहाँ जहाँ तक आप ये वीडियो पहुँचा पाए प्लीज़ पहुँचाए, कि लाइक ये एक हिट एंड रन का केस है, प्लीज़ इसको ऐसे मत उठाओ। ठीक है, अगस्त्य भाई ने उससे पहले वीडियोस डाली थी कि मैं बाइक का एक बारी को वीडियोस लाइक थोड़ा सा टॉप एंड चेक करूँगा एंड ये सब करूँगा, बट जिस समय वो आ रहे थे लाइक उन्होंने पूरे सेफ्टी गियर्स पहने हुए थे, पूरा हेलमेट वगैरह सब कुछ पहना हुआ था। बाइक की कंडीशन की फ़ोटो मैं आपको डाल देता हूँ, आप देख सकते हो, इसमें क्लियरली ये चीज़ दिख रही है कि ये एक हिट एंड रन का केस है। एंड अगस्त्य भैया के पापा से मेरी अभी बात हुई, तो उन्होंने मेरे को डायरेक्टली यही कहा है कि आप एक वीडियो बनाओ, एंड लाइक हर एक यूट्यूबर प्लीज़, हर एक से रिक्वेस्ट है ये, प्लीज़ इस चीज़ को प्लीज़ जितना हो पाए उतना शेयर करें। एंड ये एक हिट एंड रन का केस है, एंड अभी तक जितना पता लग रहा है कि शायद मे बी कोई ट्रक था, या अभी चीज़ें आ रही हैं धीरे धीरे, वीडियो जितनी निकली है। सो गाइज, हुआ क्या कि आज अगस्त्य भाई राइड पे गए हुए थे आपका डेली, एंड वो आमिर भाई के साथ थे, एंड जितना मुझे अभी इस चीज़ का कंफर्म नहीं है, जितना मुझे अभी तक पता था, एंड अलबाब नहीं थे वहाँ पर और आपके बकांडी ब्लो भी नहीं थे। सो हुआ क्या कि लाइक वहाँ से शायद मे बी वो वहाँ पर दिल्ली जा रहे थे, एंड कुछ यमुना एक्सप्रेस वे था शायद, तो वहाँ पर ये एक हिट एंड रन का केस है, प्लीज़ अफवाहों पर मत जाएँ। मैं सो प्लीज़ सो प्लीज़ गाइज, प्लीज़ अफवाहों पे मत जाएं, तो गाइज़ प्लीज़ अफवाहों पे मत जाएं, ये एक क्लियरली एक हिट एंड रन का केस है। एंड जो फ़ोटोज़ आई हैं, जो काफ़ी लाइक डिस्टर्बिंग फ़ोटोज़ भी आई हैं, उसमें क्लियरली ये दिख रहा है कि जो इम्पैक्ट है उनके सिर पर है। एंड अगर जैसा आपने एक अभी एक न्यूज़ कोई छोटा सा ऐसे चैनल था उसने जो डाला, सो मेरी अंकल से यही बात हुई है, एंड उनकी यही एक आप लोगों से उनकी मेरी एंड लाइक पूरे सब पूरी टीम की यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चीज़ को गलत मत जाने दें। एंड जो भी लाइक वो परफॉर्म करते थे, हर चीज़ करते थे, वो एक पूरा सेफ्टी मेजर्स के साथ करते थे। एंड इस चीज़ को लेके एक अजीब सा छोटा सा एक चैनल है, शायद चैनल नहीं है, वो है न्यूज़ चैनल, उसने इस चीज़ को काफ़ी गलत ले गए हैं कि वो स्टंट्स कर रहे थे एंड ओवर स्पीडिंग का इस चीज़ को ले गया है। बट गाइज, ये एक हिट एंड रन का केस है क्लियरली, जल्दी वीडियोस आपके पास आ जाएंगी, एंड जिनको नहीं पता है, सो गाइज प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है, ये उल्टी सीधी खबरें जो आएँ उनको रीपोस्ट मत करें। आपको काफ़ी सारे लगे, न्यूज़ चैनल है छोटा सा, वो लाइक वो वेबसाइट है शायद, उसने डाला हुआ है कि ऐसे स्टंट्स एंड ये सब किया हुआ, प्लीज़ लाइक मैं क्या ही बोलूँ यार इस पे, यार इसको ऐसी चीज़ें रिपोस्ट ना करें, एक गलत, बहुत ही गलत इमेज जा रही है। एंड जो भैया के साथ हुआ ये एक हिट एंड रन का केस है, एंड अगर आप इस चीज़ को लापरवाही एंड ये सब की तरफ ले जा रहे हैं तो प्लीज़ गाइज ऐसा ना करें। एंड जो भी वो चैनल वगैरह था उसके अगेंस्ट रिपोर्ट वगैरह हम कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, पर सो प्लीज़ गाइज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ऐसा कुछ प्लीज़ मत रिपोस्ट करिए, ये एक बहुत ही गलत इमेज क्रिएट करेगा। एंड लाइक जो भी हुआ है, जो सच है वो दबता चला जाएगा इस चीज़ के नीचे, एंड वही चीज़ मुझे अभी देखने को मिल रही है, जो चीज़ हुई एक्चुअल में और जो हो नहीं रही थी कभी, और उस चीज़ को लाइक पूरा ऊपर चढ़ा दिया गया है उसके, और पूरा इसको एक गलती बना दिया गया है। तो प्लीज़ गाइज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, पूरी टीम की रिक्वेस्ट है, उनके फादर की तरफ से रिक्वेस्ट है, उसकी पूरी फैमिली की तरफ से रिक्वेस्ट है, ऐसी चीज़ ना रिपोस्ट करें, ऐसी चीज़ को ना माने, ऐसी चीज़ को ना लाइक करें, ऐसी चीज़ को ना व्हाट्सएप पे आगे फॉरवर्ड करें, जब तक आपको पूरी चीज़ हम लोग नहीं बता देते हैं, प्लीज़ इस चीज़ को मत करिए गाइस, बहुत ये फैमिली के लिए भी बहुत अजीब है। एंड मुझे तो उन लोगों का लग रहा है जो ऐसी फ़ोटोज़ खींच के डायरेक्टली उसको शेयर कर रहे हैं एज अ पोस्ट, एज अ स्टोरी,
सो प्लीज़ अगले की फैमिली का सोचो यार। सो प्लीज़ जल्दी मैं आपको सारी सब कुछ हर चीज़ बता दी जाएगी, हर चीज़ जो हुई जैसे हुई, एंड जल्दी से जल्दी उस ट्रक ड्राइवर को ढूंढने की कोशिश की जा रही है गाइज। तो प्लीज़ आपको, आप लोगों का ही साथ चाहिए इस चीज़ में, एंड प्लीज़ सपोर्ट करें इस चीज़ को। आपको देखिए, अगर आप असली सब्सक्राइबर हैं ना, तो गाइज़ प्लीज़ आपको जैसी ऐसी जो भी आपको ऐसी पोस्ट या ऐसे कुछ भी मिलता है, प्लीज़ उसको रिपोर्ट करें एंड आगे फॉरवर्ड ना करें। ये एक सिंपल और सिंपल सिर्फ और सिर्फ एक हिट एंड रन का केस है, ठीक है। एंड जो भी फ़ोटोज़ वगैरह मिली हैं वो असली हैं, एंड भैया आप नहीं रहे इस और सो गाइज़ अभी सो गाइज़ यही बताने के लिए मैं आपको आया था। प्लीज़ गाइज़ किसी की फैमिली का सोच के चलो, एंड किसी के दोस्त का, किसी के भाई का, किसी की बहन का, सबका सोच के चलो। प्लीज़ ऐसी ऐसी गलत न्यूज़ मत फॉरवर्ड करो। सो प्लीज़ आई होप आपको लाइक समझ आ गया वो चीज़ें, एंड मैं कुछ फ़ोटोज़ अटैच कर रहा हूँ लाइक बाइक वगैरह की। सो आपको उससे क्लियरली चीज़ें पता लग जाएंगी, सारे सेफ्टी गियर्स वगैरह यूज़ करे हुए थे, एंड वो बस हुआ क्या कि हेलमेट खुल गया, एंड बाकी अभी क्लियर नहीं है चीज़ें ज़्यादा। जितनी हमें पता है, जितनी मुझे पता थी मैंने आप लोगों को बताई, एंड प्लीज़ इस वीडियो को आप अलग मत ले जाइए। प्लीज़ सिर्फ जो इस चीज़ का मैं कहना चाह रहा हूँ, प्लीज़ इसको उस चीज़ तक रखिए प्लीज़। एंड गाइज प्लीज़ गलत न्यूज़ मत शेयर किए, उनके पापा को भेजी जा रही है वो न्यूज़। जितनी आप इनको फैलाएंगे उतनी ये ज़्यादा उनके पापा को हर, मतलब आप उनकी कंडीशन समझ सकते हैं इस समय क्या कंडीशन होगी उनकी फैमिली की। और उनको ऐसी ऐसी न्यूज़ भेजी जा रही हैं जिसमें लाइक वो तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि किसने, मतलब वो क्या ये सोचे बैठे कि किसी ने मार दिया उसको, है ना। एंड उसको क्या न्यूज़ भेजी जा रही है कि वो स्टंट कर रहा। प्लीज़ 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 गाइज़ गलत न्यूज़ मत जाने दें इसको।